एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक डिवाई में स्थित गंगापुर गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 9 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 60 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने शिशुपाल सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 2200 की आबादी एवं 1734 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 575 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 215 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 29 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 3 हैंडपंप रिवोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में 50 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 इज्जत घरों व एक लोहिया आवास का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजा, पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान शिशपाल सिंह, सन ऑफ श्री खानचंद सिंह, ग्राम गंगापुर, पोस्ट कड़वास, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, विकास खंड डिवाई। हमारे गांव में जो भी कार्य हुए हैं अब तक, उनमें से कुछ तो इंटरलॉक और कुछ नाला निर्माण, आंगनबाड़ी मरम्मत और पोखर निर्माण, हैंडपंप निर्माण और एक गांव में एक ही मिला है केवल, जो लोहिया आवास करा चुका हूं मैं अब तक। और आगे के लिए कुछ कम से कम 10-12 प्रधानमंत्री आवास गांव में अति आवश्यकता है, तथा गांव में सोलर लाइट कम से कम 15 से 20 मुख्य चौड़ाई पर, तराई पर, और अन्य एसी वर्ग लोग हैं एससी वर्ग के, उनके लिए अति आवश्यकता है। तथा गांव में कुछ पैसे के अभाव से सीसी निर्माण कार्य की भी आवश्यकता है, जिससे हमारे गांव में आने जाने में असुविधा न हो, तथा आंगनवाड़ी केंद्र में कुछ समस्या है जिसके लिए एक पंचायत घर की ज़रूरत है, और हमारा जो मानदेय है वो भी बहुत कम है, जिससे हम लोग गुजारा भी नहीं कर पाते हैं। कम से कम मानदेय हमारा 10,000 से लेकर 15,000 तो होना ही चाहिए, उसके बाद भी जब हमारा कार्यकाल ख़त्म होता है तो जैसे सांसदों के लिए, विधायकों के लिए जो वेतन मिलता है वो भी उसी तरह से ग्राम प्रधानों के लिए भी होना चाहिए, ऐसी हमारी सरकार से उम्मीद है। और इससे ज़्यादा विशेष कोई ज़रूरत नहीं है।